अगर आप भी थार ऑन करते हो, ऐसे आप पुराने जीपी ऑन करते हो, बोलेरो ऑन करते हो, बोलेरो में तो एंटीना आता है, लेकिन आपको एंटीना लगाना है थार के अंदर। इंटीरियर वाला मैंने लगाया है तो उतना इफेक्टिव नहीं है, मैं एक्सटीरियर में ढूंढ रहा था। तो नई वाली थार का भी ऑप्शन था जो उस साइड में लगाता है, तो वो एक्चुअली मार्केट में डमी मिलता है, डमी वाला, मतलब ऐसे आप लगा सकते हो, ऐसे दिखेगा आपका, लेकिन वो एंटीना रहेगा। लोकल मार्केट से लाया हूँ तो जो डमी वाला आता है, डमी मतलब उस साइड लगता है, तो वो मतलब अगर मैं बोलूँ उसमें बॉडी में होल करके या कैसे लगाने को, डमी मैं नहीं लगाना चाहूँगा। तो एक ये लाया हो, ये लोकल मार्केट से लाया हूँ, कोई ऑनलाइन नहीं है। और आप पूछो हंसों की कीमत इतनी है, 130 रुपये कीमत है इसकी, 130 रुपये, ठीक है। ये रहा, ये इको में लगता है, वो उसके लिए लाया हूँ। मैं भी भाव सुन के रह गया कि 130 रुपये ऑनलाइन, कोई भाव एंटीना 130 रुपये का नहीं है। तो आप कोई भी ऐसी बड़ी एसेसरीज की दुकान में जाओ, वहाँ पर मिल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये लगे, बात कर लें इसको लगाने की। तो ये जो स्क्रू है ना, ये ढीले करने हैं, और ये स्क्रू इस पट्टी में लगा सकते हैं, ड्रिल माने जरूरत नहीं पड़ेगी। और वायर मैं सोच रहा हूँ यहाँ से अंदर ले लूँ, यहाँ थोड़ा पानी जाने का प्रॉब्लम है मेरा, वो तो इसकी रबड़ ख़राब हो गई, रबड़ बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ से अंदर ले जा लेंगे, ड्रिल भी नहीं मारना पड़ेगा, और यहाँ से केबल चला जाएगा अंदर। अभी पहले टेस्ट करते इसको, मैं टेम्परेरी पहले आपको माउंट करके दिखाता हूँ, ड्रिल नहीं मारेंगे और डायरेक्ट एफएम में, मतलब आपका म्यूजिक प्लेयर उसमें लगा के इसका पहले रेडियो की फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे कि काम कैसा करता है। इसको ढीला कर लिया, अब इसको लगाना कैसे बताते हैं। पट्टी देख रहे हो, ये पट्टी वाली जो है इसमें बिठाएंगे, इसको खांचे में जहाँ से पानी गिरता है, अभी मोबाइल मैंने स्टैंड पे लिया, ये उस खांचे में जाना चाहिए। तो ये कि उस खांचे में जाए, तो उसको इतना ढीला कर लो कि उस खांचे में चला जाए। और दूसरी चीज़, ये पैकिंग रखनी है, कंपनी ने अच्छा सोचा है, इसको ऐसे रखोगे अंदर ऐसे, तो आपको वो भी नहीं लगेगा, क्या बोलते हैं, स्क्रैच नहीं, मतलब जैसे दबेगा नहीं। तो इसमें इसको माउंट करूँगा, हो गया, और ये पट्टी डालूंगा यहाँ अंदर से, पट्टी हो गई, और फिर ये जो स्क्रू है इसको टाइट करेंगे वाले को, जो ये देख रहे हो आप, इसको टाइट करना है, अगर दिख रहा है वहाँ पे, एक टाइट कर लेता, फिर मैं आपको दिखाता हूँ टाइट क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये मैंने टाइट किया, शायद दूसरा दिख रहा हो, थोड़ा ढीला होगा ऐसे, एक मैंने बोल्ट टाइट किया है, सॉरी स्क्रू ऐसे सेम, अब ये वाला भी आपको टाइट करना है। ये बिना ड्रिल किए लगने वाला है, मैं अभी अब आपको ऑप्शन दूंगा इसको लगाने का, है बहुत सारे ऑप्शन, जैसे आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बाहर है बॉडी से, या फिर वाइब्रेशन है इसके अंदर, तो मैं इसका भी एक और जुगाड़ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसको मैं जरा टाइट कर लूँ, तो ये देखो माउंट कर दिया। अब इसको ऐसे करके आपको जो एंगल सेट करना, और फिर दरवाज़ा खोल के चेक करते हैं, दरवाज़ा अड़ तो नहीं रहा है, अगर मैं इस पोजीशन में रखूँगा तो ग्लास के साथ भी नहीं अड़ रहा है, ठीक है, ये इस पोजीशन पर रहेगा तो दरवाज़ा भी अड़ नहीं रहा है। इसको अपने करेंगे टाइट इस पोजीशन पर, और फिर इसको अपने टेस्ट करते हैं। हाँ, दूसरा ऑप्शन देता हूँ, अगर आपको समझो ये वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट तो नहीं करेगा ये जितनी फिटिंग है, तो आप इसको खोल के इसमें थोड़ा सा कट मार के इसमें बिठा सकते हैं, और कभी मैं अगर मैं सेटिंग करूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले मैं इसको माउंट कर लूँ। ये माउंटिंग फिट हो गया, यहाँ से देख लो, मैं जो दूसरा बोला जुगाड़, अभी देखो इतना वाइब्रेशन तो नहीं है इसमें, हो सकता है पट्टी लंबी है, ये हवा में थोड़ा वाइब्रेट करे, लेकिन उसको बॉडी से दूर रखा है कि अगर ये वाइब्रेट भी करे तो बॉडी को छुए नहीं, ठीक है। अभी देखो दब गई, एक्चुअली में टेढ़ी हो गई है पट्टी यहाँ से, जैसे मैं वहाँ से लेके आया हूँ ना, तो इसको सीधा कर लो, ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ से ऐसे ये वाले को ऐसे सीधा रख सकते हैं, एग्जैक्ट सीधा, ठीक है। अब मैं इसको टाइट करते हैं और टेस्ट करते हैं, स्प्रिंट हो गया, ठीक है। अब एफएम निकालते हैं, अभी पहले टेस्ट करते हैं, फिर मैं वायर पास करूँगा, ठीक है। तो वायर पास करने से पहले इसको उसकी फ्रिक्वेंसी टेस्ट करते हैं। ये मैंने लगा दिया, देखो यहाँ पे इसका पोर्ट है, ठीक है। मुझे इसमें एक प्लस पॉइंट ये लगा कि जो मैं इंटीरियर लगाया था, जितने भी लगाए थे उसमें पावर देना पड़ा था, इंटीरियर को अलग से, इसमें पावर नहीं देना, आपको दिखाता हूँ वॉल्यूम कितना है, ठीक है। दूसरा स्कैन करते हैं, ठीक है, सारे चैनल्स ब्रिज बार, और सुपर स्वास्थ्य के स्पॉटिफाई, रेडियो मिर्ची है, टी कम करते बाद फिर बात करते हैं। तो ये अच्छा खासा काम कर रहा है, अब इसको बस वायर बिछाना है, तो वायर बिछाना बताता हूँ कैसे बिछाएंगे। अभी मैंने इसको टेम्परेरी लगाया, अभी वायर बिछाता हूँ, कैसे लगाते हैं वो दिखा रहा हूँ। तो वायर देखो, वायर मैंने यहाँ से रखता है, एक्चुअली में मेरे से टूट गया, नहीं तो वायर मस्त इसमें फिट जाता। देखो यहाँ से वायर फिट किया है, और यहाँ डैशबोर्ड के अंदर जाने दिया है, डैशबोर्ड के अंदर से ये वाले पोर्शन से अपना डाला है, और निकाल के इसमें फिट कर दिया है जहाँ मैंने पोर्ट लगाया था। तो ये ऐसे आप वायरिंग कर सकते हो, और ऐसे देखोगे तो वायरिंग कहीं दिख नहीं रही है, और वायरिंग यहाँ छिपी रहेगी, ऐसे आप डैशबोर्ड में छिपाते हुए अंदर ले जा सकते हैं। तो अभी आपको उसकी क्वालिटी फिर से चेक कर लेना है कि केबल आगे पीछे ना हुआ, ठीक है, अलार्म चालू हो गया,
અર્થો તો સારા કામ કરવા માટે આમ અઘરી વસ્તુ એ મસ્ત હાઈ લેવલ ની કામ વસ્તુ કરવી પડી કામ કરને લગા એ જો મેને અગર મે લિંક દઉં દેખના વિડિયો દેખના તો મેને યહા પે જો લગાયા થા તબ વો ઉતના કામ નહી કરતા થા તો યે કાફી મસ્ત હે આઉટપુટ અચ્છા ઓર મે આપકો અભી इसका आउटपुट बाहर का दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा व्यू है, इसकी वजह से आप भी अपनी कार में लगा सकते हो। ये व्यू देख लो, थोड़ा फोकस काफ़ी अच्छा है। इसकी हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, मुझे मालूम नहीं कि काटने का है कि नहीं, नहीं छोटा कर सकते। ये आपको ऐसे बड़ा लगे, ऐसे देखो ये हिलेगा तो नहीं, अगर हिलेगा तो मैंने आपको बोला थोड़ा सा इसमें कट मार देने का इसके हिस्से वाले में, और इसका बोल्ट टाइट कर देना। अगर कभी मेरे में प्रॉब्लम होगा मैं करूँगा तो फिर आपके साथ शेयर करूँगा। एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया, ठीक है। जो पसंद आया तो लाइक और शेयर करो, अपने चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।